अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और इस इंतजार में होंगे कि आज हम क्या मीठा बनाएं अपने किचन में। और आज हम जो मीठा बनाने जा रहे हैं वो सुपर कन्वीनियंट है, सुपर यमी है। इट्स मॉल्टन लावा चॉकलेट केक। एंड अनलाइक मोस्ट ऑफ माई रेसिपीज जिसमें मैं अक्सर वाइट शुगर को शक्कर से रिप्लेस करती हूँ, आई एम नॉट रिप्लेसिंग एनी शुगर इन इट। मैं वाइट शुगर ही इस्तेमाल करूँगी लेकिन थोड़ी सी। दिस रेसिपी इज सुपर कन्वीनियंट इन दैट सेंस दैट आप इसको बना के जितना आपने रैमिटन बोर्ड्स को बेसिकली हम इसमें बेक करेंगे। मैंने ऑलरेडी ओवन को सेट किया हुआ 200 डिग्री सेल्सियस पे और वी आर गोइंग टू पुट द बैटर इन इट। रैमिटन बोर्ड्स को आप कवर अप करके रेफ्रिजरेट भी कर सकते हो और इसको इस्तेमाल कर सकते हो व्हेन एवर यू नीड दिस। सो वी आर गोइंग टू ट्राई आउट द रेसिपी नाउ। इफ यू लाइक द रेसिपी डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सबसे पहले आप अपनी बेकिंग शीट को ग्रीस कर लें बटर से और उसके बाद मैदा लगा लें साइड्स पे। हमने चॉकलेट ली है 200 ग्राम्स और 150 ग्राम्स सॉल्टेड बटर। इसको किसी बड़े बोल में डाल के अब हम इसको गरम कर लेंगे चूल्हे पे। चूल्हे पे ऑलरेडी मेरे पैन में पानी गरम हो रहा था, मैंने बोल को उसमें रखा है। उसके बाद हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है हत्ता के ये मेल्ट हो जाए पूरी तरह। अब ये रूम टेम्परेचर पे हमारा चॉकलेट मिक्सचर खुद ही कूल होगा। मीनवाइल हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। आपने 3 अंडों की सफ़ेदी लेनी है, 3 एग वाइट्स। इसको हैंड बीटर से या इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करें। मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया, इससे अच्छा सा फोम बनता है इसका। सो वी विल बीट इट अंटिल वी गेट दिस काइंड ऑफ फोमी टेक्सचर, स्टिफ पीक्स बन जाएँ, बिल्कुल ये झाग की तरह होगा। और इसको हमने साइड पे रख लेना है। इसके साथ ही हमने 3 एग योक्स लिए हैं, 3 जर्दी सफेद अंडे की और उसमें चीनी, वनीला एसेंस एंड 1 टीस्पून बटर मिल्क। बटर मिल्क आपके पास ना हो तो उसको आप बेशक डिडक्ट कर दें, लेकिन दूध और सिरके से बटर मिल्क बन जाता है घर में ही। इसमें हमने चॉकलेट मिक्सचर अपना ऐड कर देना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अंडे की सफ़ेदी जो हमने ऑलरेडी बीट करके रखी हुई थी सो स्पैटुला की मदद से आप हिला लें, मिक्स कर लें। हमारा चॉकलेट मिक्सचर तैयार है फॉर द चॉकलेट मॉल्टन लावा केक। इनको आप ऑलरेडी बेकिंग डिश जो हमने ग्रीस की हुई थी उसमें डालें, और जो अगर आपने नहीं बेक करना तो आप इसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़। एंड हमने इसको बेक करना है एट 200 डिग्री सेल्सियस। रिजल्ट्स हमारे कुछ ऐसे आएंगे, ऊपर बिल्कुल ये ग्लॉसी सा केक बेक होगा और अंदर से दिस विल बी मॉल्टन लावा। आप इसको निकालें, ये वाला मैंने निकाला था तो ये स्लाइटली टूट गया, लेकिन इसको आप आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ रैमेकिन बोल के ऊपर ही आइसक्रीम डाल दूँ, इससे हमें ये एक्सीडेंट का ख़तरा कम हो जाता है। आई होप यू एंजॉय दिस रेसिपी। इफ़ यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।